9 बज गया। अरे अबे यार रिवील करूं लोचा ये। वाह भाई मुकुल मुकुल उठ जा। उठ रहा हूँ यार, उठ रहा हूँ। अरे मुकुल उठ जा यार, दूसरी बार ही उठाने आ गया हूँ। क्यों लो टाइम है? 9 बज गया, अबे 9 बज गया। यार माया तो झूठ बोलती थी सुबह सुबह उठाने के लिए, ये भाई लोग भी झूठ बोलने लग गए हैं। मेरे को बोला 9 बज गए हैं। 8:55 हो गया, उसको 9 ही बोलते हैं। नहीं भाई, 8:55 8:55 होता है, 9 बजना अलग होता है। प्रॉपर 9 नहीं बजे हैं, 5 मिनट और सो सकता था मैं। हाँ रात से सो ही रहा है। कितने बजे सोते हम? 2 बजे, 2 बजे। और अब उठ कितने बजे गए हैं? 9 बजे। 9 बजे। मैं आठ अच्छा बजे उठ गया था। 8:30 से तो नहीं, वैसे कितने देर पहले मेरे को उठाने आया था दोबारा। आप होंगे तैयार हो यार, पता नहीं अब घर वाले भी गुस्सा ही करेंगे, इसको भेजा है शायद खुद ही नहीं आया उठाने। अब देखो क्या क्या होता है, तैयारियां होंगी अब थोड़ी, जो भी है इधर उधर की तैयार व्यार होंगे सब। वैसे आज फिर मिलते हैं, अभी अपनी ड्यूटी करके आए हैं, छोड़ के आ गए ब्राइड को, सबको, ताऊ जी लोग सब चले गए हैं। अभी हम ताई जी लोग को लेने जा रहे हैं, मम्मी लोग को, ड्राइवर साहब गाड़ी चलाते हुए। बस अब फटाफट, अभी हम खुद भी तैयार नहीं हो रखे हैं, फटाफट अभी यही काम है। हमने जो था नहा के फटाफट तैयार हो जाएंगे, बट तैयार हो ही नहीं पाए। अभी फटाफट घर पहुंचेंगे, अभी उन लोग को छोड़ना है, फिर तैयार होना है, फिर और भी कुछ सामान है जो हमें लेके जाना है। यही रहता है, कोई भी चीज़ कभी प्लानिंग से होती नहीं है। वेडिंग में तो, या कभी आप इंगेजमेंट के लिए तैयारी कर रहे हो, या आपके घर में है, तो एक बात याद रखना, कोई भी चीज़ प्लानिंग के हिसाब से नहीं होगी, और हर चीज़ कभी ना कभी कुछ ना कुछ चीज़ तो मिस हो ही जाता है, और इसके लिए फिर अलग से दोबारा प्लान करना पड़ता है, यही होता है। चलो मिलते हैं आगे। अब जाके हम लोग हुए तैयार। क्यों राधे भैया? बिल्कुल ये हमारे राधे भैया अब तैयार हुए हैं। मैंने टाई आई नहीं पहनी है, मैं सोच रहा हूँ टाई आई वहीं पे जाके पहनूंगा आराम से। अब हम निकलते हैं सीधा बैंकेट हॉल के लिए, सब लोग पहुँच गए वहाँ पे। अब हम थोड़ा सा एक एक दो सामान का और काम था, वो करने के बाद सीधा वहीं निकलेंगे और सीधा वहीं पहुँचेंगे। ठीक है चले भाई, गाड़ी की चाबी ताला लगाओ और मिलते हैं। हमारा तो कुछ भी कर नहीं रहा है, उन्हीं लोग का चलता है। बिल्कुल इज्जत नहीं है भाई, बिल्कुल इज्जत। अब जाके टाइम मिला है मेरे को कि मैं आऊँ आराम से, फ्री हूँ सामान वामान इधर देने के बाद। अब जाके थोड़ा फ्री हुआ हूँ, मेरा लगूना हिमल लैंड, ये ग्राउंड फ्लोर का एरिया है। और इसके बाद अभी ग्राउंड फ्लोर में भी एक फंक्शन है, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर में हमारा वाला है। इवन तो ऐसा कुछ है नहीं, फर्स्ट फ्लोर मतलब नीचे भी आराम से हो जाएगा, सब कुछ हो जाता है एडजस्ट, और ऊपर जाना है। ये रहा वेलकम टू लगूना बैंकेट ड्रिंक सेरेमनी सपना एंड विभू पार्टनी फैमिली, और नीचे FF का मतलब होता है फ्रेंड्स एंड फैमिली। ठीक है 21/11/2021 यहाँ से चलते हुए लगूना, बिना मास्क की एंट्री नहीं है। और यहाँ पापा और मैं, अपना तो अकेले का शूट कर चुके हैं, मैंने देखा था कोने से। अब मैं इनको लेके जा रहा हूँ कि मेरे साथ भी खिंचाओ भैया, मैं भी तो लड़का हूँ, हमें भी चाहिए फ़ोटो थोड़ी। अभी कैमरा मैन को पकड़ते हैं, फोटो खिंचाएंगे, अंदर जा रहे हैं। मैंने आपको इस समय स्टेयर्स तक दिखाया था, स्टेयर्स से ऊपर लेके जाता हूँ।
हम कर रहे हैं फूल की तोड़ा फाड़ी, दो प्लेट सजा रहे हैं फूल गिराने के लिए। ये मेरा मत बनाना इसका, ये व्लॉग ही मैंने कहा था व्लॉग। ओए अगर ये व्लॉग बनता है ना भाई तो तू समझ ले तेरे को कमेंट क्या मिलने वाले। कोई बात नहीं भाई, बहुत फॉलोवर्स हैं इनके, मैं चाहता हूँ कि मेरे को बस फॉलोवर मिल जाए, अच्छे खासे फैन फॉलोइंग मिल जाए। इनके फॉलोवर थोड़े कैप्चर कर दो इनका रिकॉर्ड करके। ये है चार भाई, चार भाइयों को हो रहा फोटोशूट। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं इंतजार में ही रह गया लोगों के, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, रास्ता पता। चलो ठीक है, ये भी एक फैक्ट है, ये मत सोचना फ्री हो जाओगे वहाँ पे जाते ही। लोग आते हैं, उनको रिसीव करना पड़ता है, रास्ता बताना पड़ता है, आंटी नल जिनको रास्ता नहीं पता होते, तो ये बहुत मेजर पार्ट है। लोग रास्ता भूल जाते हैं, दिल्ली जगह पर रास्ता भूल जाते हैं। आप जिस जगह में रहते हो वहाँ भी ऐसा हो सकता है और ये होता ही है, बहुत नॉर्मल पार्ट है, तो ये भी एक पार्ट है। चलो अभी हम आए हैं छोटे मामू को रिसीव करने, थोड़ा रास्ता भूल गए थे, इधर उधर हो गए थे, बस आ ही रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें को ध्यान में रखना पड़ता है, और यही मेन पार्ट होता है आपके किस इवेंट को बड़ा करने का, कि छोटी छोटी चीज़ सही है। भाई इसको तो पकड़ लो, बहुत भारी हो रहा है, सब ने कर दिया। हाय, काम करने आ रहे के लौंडे और आप आ रहे हैं। हाँ, क्या करते मुक्की भाई बता देना, काम करेंगे, हेल्प करनी होगी भाई। डब्बे नहीं पकड़े जा रहे, दीदी को पता चल जाएगा कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा। 12:48 हो गए हैं, करेक्ट 1 बजे आया हो तुम एक हिसाब से। भाई मेरे को ही पता है मैं क्या क्या कर रहा हूँ सुबह से, कभी गाड़ी कभी बाइक कभी अपने साथ ही आपको रिवील करूं लोचा। वाह भाई, अब वापस फिर जा रहे हैं मिस्टर राइडर एंड राइडर।